दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। आज हर देश कोरोना वैक्सीन की रेस में लगा है। आज हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज के शो में हम जानेंगे कि वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई। दोस्तों, 18th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स महामारी पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक अनुमान के मुताबिक स्मॉल पॉक्स की वजह से 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्मॉल पॉक्स से पूरी दुनिया बहुत परेशान थी। 1796 में यूरोपियन फिजिसिस्ट एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो लोग गाय को पालते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है और गाय पालने वाले हेल्दी थे। यहां एडवर्ड जेनर ने सोचा कि गाय पालने वालों को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं होता है। एडवर्ड जेनर ने देखा कि गाय को भी काउ पॉक्स बीमारी हो रही थी। दोस्तों, गाय की बीमारी काउ पॉक्स फिर गाय पालने वालों को हो रही थी। एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स भी एक जैसे हैं। अब एडवर्ड जेनर के पास आइडिया आया कि काउ पॉक्स बीमारी स्मॉल पॉक्स बीमारी को नहीं होने देती है। फिर एडवर्ड जेनर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक बार प्रूव किया जाए कि काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स खत्म हो जाता है। फिर एडवर्ड जेनर ने एक बच्चे को काउ पॉक्स बीमारी से इन्फेक्ट किया। वह बच्चा थोड़े दिन तक काउ पॉक्स से बीमार रहा। काउ पॉक्स बीमारी इतनी खतरनाक नहीं थी, बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो गया। फिर जब उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स बीमारी से इन्फेक्ट करने की कोशिश की तो बच्चे को स्मॉल पॉक्स बीमारी होती ही नहीं थी। ऐसा एडवर्ड ने अपने आप पर भी ट्राई किया और कई लोगों पर ट्राई किया। यहाँ एडवर्ड को समझ में आ गया कि काउ पॉक्स बीमारी स्मॉल पॉक्स बीमारी से बचा सकता है। अब एडवर्ड जेनर ने समझ लिया कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और यह बैक्टीरिया हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा शरीर बीमारी से लड़ सके। यहाँ से वैक्सीन की शुरुआत होती है। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपने लैब में बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिया जो बीमारी को खत्म करने में मददगार होते हैं। दोस्तों, 1930s तक कई वैक्सीन बन चुकी थी, जैसे टीबी की, कोलेरा की, टाइफाइड की। दोस्तों, समय के साथ साथ वैक्सीन पर काम शुरू होने लगा और आज वैक्सीन की मदद से हम कई खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। हमें बचपन में ही कई वैक्सीन दे दी जाती है ताकि हम बीमारी से बच सके। आप सभी ने भी मिजल्स, मम्स जैसी बीमारी का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन आपको बचपन में ही दे दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।